रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध किया हुआ पूरे दुनिया में खाद्य और ईंधन का संकट पैदा हो गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रूस तेल उत्पादक में दुनिया के दूसरे स्थान में आता है। इतना ही नहीं बल्कि गेहूं उत्पादक में भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसी प्रकार से रूस की प्राकृतिक गैस पर यूरोपीय देश काफी हद तक निर्भर है। रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। अब इन प्रतिबंधों से दुनिया में संकट आने का खतरा और बढ़ गया है। रूस में पैदा होने वाले गेहूं से अफ्रीकी, एशियाई और कई लैटिन अमेरिकी देश लाभान्वित होते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा विदेश में उसकी गैस और तेल की बिक्री है। रूस को इसी से भारी कमाई भी होती है, लेकिन अब इन प्रतिबंधों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस ने संकेत दिया है कि विश्व में खाद्य समस्या और ईंधन के संकट को देखते हुए रूस और बेलारूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। हालांकि ये भी साफ है कि ये तभी होगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि जंग में बंदरगाह में रखे गए यूक्रेन के गेहूं को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है और काफी गेहूं ट्रकों के जरिए रूस भेज दिया गया है। इसलिए भी विश्व में खाद्य संकट पैदा होने का खतरा और बढ़ गया है। गुटेरेस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को बेमतलब करार देते हुए निर्मम और अंतहीन बताते हुए इसके खात्मे के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया है। कहा है कि ये युद्ध पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके असर से कोई देश अछूत नहीं है। चीन ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि रूस पर लगे प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2022 में वैश्विक आर्थिक प्रगति 3.6% रहने के आसार जताए हैं। एक तरफ यूएन रूस और बेलारूस से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी इस मामले पर अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों का मत आना बाकी है, क्योंकि अधिकतर प्रतिबंध अमेरिका और नाटो देशों ने ही लगाए हैं। हालांकि प्रतिबंध हटने के बाद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या रूस युद्ध समाप्त कर शांति बहाली की ओर कार्य करेगा, क्योंकि विश्व में प्रतिबंधों के साथ साथ खाद्य संकट का एक बड़ा कारण ये युद्ध भी है। अब इन बातों से कयास लगाया जा रहा है कि जो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, अब वो शायद अधूरा रह जाएगा। तो कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहे TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी। We'll be right back.